देखिए बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आदि जी मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, क्योंकि आज का जो बजट आ रहा है सरकार का, उस बजट को लेकर विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष कैसे इस बजट को देखता है, विपक्ष की नज़रों में ये बजट कैसा है, ये सारी बातें करने के लिए अगले कुछ सेकेंडों में यशपाल आर्य मेरे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, आप बात करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि विपक्ष की यहाँ पर बात सुननी बहुत जरूरी है। हमने देखा है, जैसे कि पिछले दो दिन हमने देखे हैं, जमकर हंगामा हुआ सदन में और निलंबन हुआ सारे कांग्रेस के विधायकों का, तो उसके बाद से नाराजगी जरूर है कांग्रेस के अंदर। और कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष की आवाज दबाने की और डराने की कोशिश की जा रही है। आप जरूर इंतजार करें, बात करने की कोशिश करें सुरेंद्र, तब तक मैं रामानुज से एक रिएक्शन ले लेते हैं। रामानुज, देखिए आप तो लगातार जगह जगह जा रहे हैं, महिलाओं से भी बात की होगी, बुजुर्गों से भी बात की होगी, युवाओं से बात की चीत की होगी। जी सुरेंद्र, ओवर टू यू। और जो आज के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, विषय है। बिल्कुल, देखिए अनुज, नेता प्रतिपक्ष मेरे साथ हैं और क्योंकि सरकार का बजट आ रहा है और सरकार का बजट आ रहा है, तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी से कैसे देखते हैं। सर, आज बजट आ रहा है और वित्त मंत्री ने कहा है ये उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है, ये प्रदेश के विकास वाला बजट है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपकी नज़रों में ये बजट कैसा हो? अब देखिए, आज माननीय वित्त मंत्री जी आयोग पर अपना बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। हम आशा करते हैं कि यह उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए और जो यहाँ के प्रमुख विषय हैं, मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है और जो आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में मातृशक्ति के उत्थान के लिए, दलित और अल्पसंख्यक को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए, आज हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इसमें, इस बजट में ये व्यवस्था करेगी। लेकिन सर, एक बात वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे विपक्षी मित्रों ने कल साथ नहीं दिया, परंपरा का निर्वहन नहीं किया, सदन की गरिमा का ख्याल नहीं रखा। देखिए, उन्हें वो ना, मैं कल भी कह रहा था, जबरा मारे भी और रोने भी न दे, वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। और जो आज के बहुत ही जल महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर प्रदेश की निगाहें हैं, उससे वो ध्यान सरकार जनता का ध्यान बटाना चाहती है और हमें अवसर नहीं देना चाहता है कि हम इस विषय पर सदन में अपनी बात को विस्तार से रख सकें, उन मुद्दों को उठा सकें जो आज के लिए समसामयिक हैं। सर, आज बजट आ रहा है तो सदन में विपक्ष सहयोग की तरह रहेगा या हमें आज भी विपक्ष का वो आक्रामक रूप देखने को मिलेगा? देखिए, आक्रामकता कहीं से कहीं नहीं, हम चाहते हैं कि ये गतिरोध खत्म हो। हम चाहते हैं कि देखिए, बजट में सभी माननीय विधायकों को, पक्ष को, विपक्ष को बोलने का अवसर मिले, अपनी बात कहने का अवसर मिले, लेकिन समय नहीं है, पर्याप्त समय नहीं मिलता है। कल 16 तारीख तक का इन्होंने एजेंडा तय किया है और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में जब पहली बैठक हुई उसमें हमने अनुरोध किया कि 14-15 तक, दो दिन का आप समय निर्धारित एजेंडा तय करें, क्योंकि हमारे नामित माननीय सदस्य आज मौजूद नहीं है। 15 तारीख को बैठकर हम आगे का एजेंडा तय करेंगे, लेकिन कार्यमंत्रणा समिति की हमारी अनुपस्थिति में बैठक हुई, उसमें 16 तारीख तक का एजेंडा तय किया गया है और मुझे लगता है कि ये सत्र आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। सर, सर एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, कल विशेषाधिकार हनन को लेकर विरोध दर्ज किया था, वो विरोध खत्म हो चुका है या सदन में आज फिर दिखेगा? देखिए, हमारी मनसा नियत साफ है, हम चाहते हैं कि गतिरोध समाप्त हो, पूरे प्रदेश की निगाहें हम सब पर हैं, सत्ता पक्ष पर भी हैं, विपक्ष पर भी हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है हम उससे भाग नहीं सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी जो विपक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी है, हम उसका निर्वहन ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं और आज निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा माननीय नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आमंत्रण दें, हमें बुलाएं, हम बातचीत करना चाहते हैं, सदन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी अनुज, देखिए नेता प्रतिपक्ष की बातों से ये तो साफ लगता है कि सदन आज भी हंगामेदार शुरुआत होगी सदन में, क्योंकि विशेषाधिकार हनन का जो मामला है उन्होंने कहा है कि वो अभी खत्म नहीं हुआ है। नेता सदन यानी मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और स्पीकर
हमें निमंत्रण दें बुलावे के लिए, हम बातचीत करने को तैयार हैं। इसका मतलब सदन की शुरुआत हंगामेदार ही होनी है।